गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। पहले मैं आपको इस प्रॉपर्टी का टूर देती हूँ जहाँ हम ठहरे थे। बहुत सुंदर जगह थी और आज हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं और अभी ब्रेकफास्ट भी मेरा वेट हो रहा है तो मैं वहाँ जाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमने अपना इंडिया के टेस्ट थोड़ा इंडिया का टच देने इनको लगा बेचारे। आज यहाँ से जा रहे हैं तो जाते जाते हम अच्छा खिला देते हैं, खाना खिलाते हैं ताकि वापस आइए जल्दी। आपको जहाँ पे भी जाना है इंडिया का खाना ढूंढना जरूरी है। तो यहाँ पूल साइड पे हमारा ब्रेकफास्ट था। मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। वो सामने जो दिख रहा है ना आपको एरिया, वो मेरा रूम था और ये वाला अंकल आंटी का, और यहाँ पे था रूबी और अप्पू जीजू का रूम। अब आपको अंदर से दिखाऊँ तो ये हमारा रूम था, ये वाला बेड मम्मी का, वो मेरा, और यहाँ पीछे जहाँ पापा खड़े थे वो पापा का था, और यहाँ से बाहर वही सब है जो मैंने आपको पहले दिखाया, पूल वगैरह, और इस तरफ है किचन। थैंक यू, बाय बाय। Good morning. My name is Romeo. I'm your driver today. Oh, lovely Romeo. Okay. So today we Romeo about okay. बाय। ये भी कहीं बाहर से होते होंगे, इनको भी अपने घर की याद आती होगी। अभी हम जा रहे हैं टेंपल विजिट के लिए, और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हैं। कुछ कुछ ऑफरिंग्स होती है ऐसे छोटा छोटा, मतलब बास्केट जैसे रखते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में। तो मुझे भी पता चला जो हमारे ड्राइवर, उन्होंने बताया कि वो ऑफरिंग्स भगवान के लिए रखी जाती है थैंक यू बोलने के लिए, और उस ऑफरिंग में थोड़ा बहुत सामान और कुछ एडिबल चीज़ रखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई राइस है, बिस्किट है, जूस है, कैंडी है, कुछ भी रख सकते हैं, बट ये रखते रहते हैं थोड़ी देर में। तो इन्होंने अपनी टैक्सी में भी रखा है, होटल्स के बाहर भी होता है, किचन्स के बाहर भी होता है, और मतलब जिसका जो वर्क प्लेस है उसमें भी रख सकते हैं, अपने घर पे भी रखते हैं उसे, और मतलब हर जगह जहाँ पे भी उनको वो थैंक यू वाली फीलिंग आती है ना, वो हर जगह भगवान को थैंक यू कहने के लिए उसे रखते हैं। तो अभी हम एक वाटरफॉल देखने आए हैं जो कि मेरे पीछे है। जितने भी लोग मैं देखती हूँ ना बाली ट्रिप आए, स्पेशली जो हनीमून कपल्स होते हैं, वो जो घोंसला जैसा होता है ना उसके अंदर बैठ के ज़रूर फ़ोटो लेते हैं। तो सामने मुझे वो दिख रहा है, मैं भी उसमें फ़ोटो लेती हूँ। बाली में शॉपिंग करते हुए बार्गेनिंग का तो बहुत स्कोप रहता है। थैंक यू। अभी हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम कॉफ़ी टेस्ट करेंगे। कुछ स्पेशलिटी है यहाँ की कॉफ़ी की। सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी है वर्ल्ड की, कॉपी लुआ। कॉपी यहाँ लोकल लैंग्वेज में कॉफ़ी को कॉपी बोलते हैं। ओके, लुआ यहाँ पे मिलती है, कॉपी लुआ। हाँ, और जो वो बांदरू है जो ही कॉफ़ी खाता है उसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में लुवाक बोलते हैं। वैसे उसका नाम पाम से बताए। And then the animal, the similar like a raku or mangoose. Oh, mangoose. Yeah, but in Bali we call luwak. This is called the palm civet. Yes, the palm civet. Why is he sleeping? Because nocturnal. Or I guess active at night? Yeah, but now just sleeping. Sleeping? Yes. And they don't bite, attack? They normally bite, but this is friendly one. Friendly one? We have the other one in the cage. This is more. Civet. Palm civet. Yeah, what's his name? This is, we call luwak in Bali, but we have the special name for this luwak. The name is Lucky. Lucky? Because this is a boy. आपको ये बताना चाहती हूँ, जो एनिमल देखा ना हमने वहाँ पे, जो सो रहा है आराम से, नॉक्टोरल एनिमल है, अभी आराम से सो रहा है। थोड़ी देर में, देर में ये रात को जागेगा। और होता क्या है ना, और होता क्या है, जो भी बहुत क्यूट है। हाय लकी, इसका नाम लकी है वैसे।
और अब मैं आपको बताऊँ ये कॉफ़ी पत्ते कैसे बनती है। ये जो बीन्स हमने देखे, इन बीन्स को ये एनिमल खाता है और उसके बाद जब ये डाइजेस्ट कर पॉटी करता है ना, उस पॉटी को ये क्लीन करके वो जो बीन सीड्स हमने देखे ना यहाँ पर, अनडाइजेस्टेड सीड्स जो निकलते हैं, एग्जैक्टली जो अनडाइजेस्टेड सीड्स निकलते हैं उसको ये क्लीन करते हैं। ये क्लीन और वॉश करके सीड्स यहाँ पर रख दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये रोस्ट हो गए। फिर जब रोस्ट हो जाएगा अच्छे से क्रंची हो जाते हैं, यहाँ पे इसको डालते हैं एंड दे क्रश इट लाइक दिस और मेबी लाइक दिस। इसमें है भी कॉफी, सूंघो कैसी है, स्ट्रांग है ना? हाँ यार बहुत अच्छी खुशबू है, ऐसा लग नहीं रहा है पुपू है ये। कॉफी में से ट्राई करेंगे क्या है। हाँ क्या है, मैंने कहा जैसे हमने यहाँ देखा कि कॉफी का प्रोसेस पूरा की कैसे कैसे तो मैंने कहा अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ये बिजनेस खोलना पड़ेगा। कैसे, हमारे भी घर में लड्डू होते हैं ना, वो इतने सारे फ्रूट्स खाते हैं, मतलब हमारे सुन पानी वगैरह खाते हैं ना, तो वो जूस की गुटलियाँ होती ना वो ढेर लगाए होते सारे तो अब हम टेस्ट करते हैं सबसे महंगी कॉफी। अच्छी है, दिस इज सो फनी, मतलब मुझे लग रहा था मैं कैसे पीऊंगी ये पूप वाली कॉफी, बट बिल्कुल भी ऐसी नहीं। और कॉफी का जैसा ही फ्लेवर है और स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब अच्छी कॉफी है इन शॉर्ट। कॉफी टेस्टिंग हो चुकी है, अब हम लंच करने जाएंगे और उसके बाद कहीं और घूमने जाना है। यहाँ पे कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम खाना खाने आए, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। रोमियो का हाईली सजेस्टेड है। रोमियो जो आज के हमारे ड्राइवर है उन्होंने हमको ये सजेस्ट किया है। फ्रेम के अंदर आओगी तो बोलोगी तो अच्छा लगेगा। रोमियो जो हमारे आज के ड्राइवर है उन्होंने ये जगह हमको सजेस्ट किया, कहा है कि बहुत अच्छा खाना होता है। तो वैसे भी अब मम्मी पापा अंकल आंटी को ये इंडियन खाना बहुत मिस कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। व्हाट्स योर नेम? शर्मा। वेरी प्रीटी। वाह यार बड़ा सुंदर है। ओ गणपति की मूर्ति देखो बाहर कितनी बड़ी है। आंटी का फूल गिर गया तो अंकल दे रहे आंटी को फूल, कि लो मेरा फूल लगा लो। आंटी दिखाना जरा कैसा लग रहा है। वाह 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 वाह। तो चलिए जरा यहाँ का मेन्यू चेक करते हैं। वाह बिरयानी, पालक पनीर, आयुर्वेदिक थाली, इंटरेस्टिंग। शुक्ला इन बाली मीन होली। होली 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 मीन्स पवित्र। हाँ जी होली इन बाली। तो अभी हम तीर्थांपुल आए हैं और मम्मी ये क्या कैसी जगह है कुछ पता है इसके बारे में? बहुत कुछ पता है इसके बारे में, क्योंकि क्योंकि मम्मी बचपन से यही रहे। नहीं मैं बचपन से तो नहीं रही, जो मैंने इसकी बैक स्टोरी सुनी है कि भाई जिस तरह से हमारे इंडिया में हरिद्वार को पवित्र जो माना जाता है प्लेस, तीर्थ स्थल है ना गंगा, तो वैसे ही तरह बाली में तीर्थांपुल को पवित्र स्थान माना जाता है। अपो आई थिंक फ्रॉम दैट साइड। अभी हमने फिर से चेंज किया है क्योंकि अगर उस पानी में हमको जाना है तो हमको ये ग्रीन कलर के पहनने होते हैं, मतलब ये वाले हैं जो भिगा सकते हैं हम, और जो पहले लुंगी टाइप दी थी वो ऐसी है कि वो भिगानी नहीं है, इसलिए हमने फिर से चेंज किया और रेडी होकर बैठे अपनी बारी के लिए।
पानी ना बहुत ज्यादा ठंडा था, मुझे पहले लगा हॉट स्प्रिंग वाटर है, मैंने स्प्रिंग वाटर सुन के खुद से इमेजिन कर लिया कि अरे ये हॉट स्प्रिंग वाटर होगा, पर इतना ठंडा था और अंदर छोटी छोटी मछलियां भी थी, बीच में थोड़ी बड़ी बड़ी भी थी और इतने इतने से मेंढक भी थे, मुझे इतना डर लग रहा था। चलो मैं फिर से चेंज करके आती हूँ। किंग फ्रूट जैसे हमारे मैंगो का, हाँ ये डूरियन यहाँ का बाप है, कैसे खाएंगे? बहुत सुंदर, ये ले जस्ट पिक इट अप आराम से, पर ध्यान से करना छूट ना जाए, इसको निकाल के एक सीड है जी, ध्यान से छूट जाता है, सीधा मुंह में, सीधा मुंह में, खाली खाली खाली, हां अंदर है, अंदर है, सीधा लो मुंह में। तो पापा कैसे है? वो शॉपिंग का यार कब कर रहे हैं? गुड स्माइल, नाइस, थैंक यू। नई चीज है। पापा ने अभी यहाँ से शॉपिंग करी ना, तो आंटी हमसे कह रहे कि तुम्हारे पापा हमारे लिए बहुत लकी है, यहाँ से शॉपिंग करके गए और बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की है। अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन है मंकी फॉरेस्ट, और इससे पहले हम रुके थे एक कैफे में थोड़ा बहुत खाने के लिए, और इस कैफे में भी हर जगह मंकी है, मेरे पीछे भी मंकी है, इधर काउंटर्स पे भी मंकी है, और आगे जाके असली मंकी ढूंढते हैं। अब एक एक उठा लो सर, हमारे तो जंगल में बतेरे मंकीज होते हैं ना, लेकिन यहाँ बाली में जो है टिकट लेके जाना पड़ता, देखो फिर कैसे बंदर है। बंदर तो हमने आज से पहले भी देखे हैं, पर इन्होंने मंकी फॉरेस्ट ही बना लिया, ऐसी भी क्या खास बात है वो देखते हैं। हाँ, दिस मंकी इज फ्रेंडली, इट डज नॉट बाइट, सम टाइम दे बाइट मी, ओह बंदरों का खाना है, स्वीट पोटैटो और बनाना रखे है, यहाँ पे भी है। बंदर शैतान तो होते ही, ऊपर से ना ये कुछ गोले गोले से गिरा रहे लोगों के सिर पे। तो अब मैं आपको अगर रिव्यू दूँ इस जगह के बारे में, तो अगर आपने लाइफ में कभी बंदर नहीं देखे तो इधर आना, बाकी ऐसा कुछ खास तो मुझे यहाँ दिखा नहीं, बट हाँ ऐसा हरा भरा है, वॉक के लिए अच्छा है, और फॉरेस्ट भी है, एंड यस लिजर्ड्स भी है यहाँ पे बहुत सारी, और मुझे कुछ खास पसंद। ये तो सांप जैसी थी एक, चलो आगे पिक्चर ले रहे, मैं भी लेती हूँ मंकी के साथ फोटो शूट करने के लिए, मम्मी है तैयार। ओके मैं तेरी तरह डरपोक थोड़ी, तू मेरे को डरपोक बोल के, तू सब डरपोक है। पहली बार देखा मैंने बंदर के साथ फोटो शूट करने के लिए लिपस्टिक लगाई जा रही है, मंकी के साथ मम्मी का, मम्मी का। नैना तुझे भी ऐसी खिलाना, और डरना मत, नहीं नहीं मम्मी पकड़े, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में लिखा है डरना नहीं है। इसके दांत ही नहीं है, पीछे ऐसे जीभ निकाल के बैठा है। नैना डोंट फ्रीक आउट, हां पापा आप भी आ जाओ, आ जाओ जी, मेरे बहुत मजा आ रहा है, कितने सॉफ्ट सॉफ्ट इनके हाथ है, और कितने अच्छे से खाते हैं बेचारे, एकदम वेल बिहेव्ड मंकीज थे। तो इस मंकी फॉरेस्ट की एक अच्छी बात ये है कि जैसे हम फोटोज वगैरह ले रहे थे ना मंकीज के साथ, तो ये फॉरेस्ट से कोई भी मंकी आ जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही मंकी को पकड़ के रखा है कि वही करेगा ये सब कुछ,
नहीं, कोई भी मंकी आ जाएगा जिसका खाने का मन है आराम से। और ये इतने फ्रेंडली मंकीज है, ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। रुक दी, मैं टिकट लगाऊं फोटोज की। शिमला में बर्फ गिर रही है और यहाँ पे हम आइसक्रीम खा रहे हैं। पापा सोए रह गए, निकल गए सब। से जाएंगे सरस्वती टेम्पल। तो अचानक से बारिश हो गई है एंड अचानक नहीं है, बहुत धीमे धीमे चल रहा था फोन एंड फोन का फूल। मैं उनके रूम में जाती हूँ, उनका गेट हूँ। हाँ, बिकॉज नैना डजंट वांट टू गिव हर फोन, सो शी इज गोइंग टू फेच हिज फोन because he loves swimming and he loves rain and the pool. आपको मतलब मैं वहां से दौड़ के आई हूं, कुछ आपको जीजू ने फोन मांगा तो उनका रूम वो वाला है, मैं यहां से दौड़ती हुई वहां, वहां से यहां वापस आई और मैं इतनी देर में इतना भीग गई, ये पूरा गीला यार। ठीक है, ये ब्लैक समझ में नहीं आता है गीला कितना है। क्या ये देखो, ये देखो, आओ जरा नजदीक आके देखो, ब्लैक नहीं समझ में आएगा। तुम मुद्दे वाली बात बोलो। तो मुद्दे वाली बात ये है, मैं इतना दौड़ के गई बारिश में, इतनी तेज बारिश में, गर्मा गर्म कॉफी छोड़ के, और जब मैंने अपू जीजू को फोन दिया, नहीं अब नहीं चाहिए।